नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। धनु राशि के बृहस्पति गोचर पे अब हम आ पहुंचे हैं दसवीं राशि, जो कि मकर राशि काल पुरुष की कुंडली में बनती है। तो देखते हैं इस राशि वालों को इस गोचर से क्या परिणाम मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस राशि से बृहस्पति का 12वें भाव से गोचर होगा। बृहस्पति यहां पर यानी कि मकर राशि में तीसरे और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, और जो कि काल पुरुष की कुंडली में दसवां भाव बनता है, यानी कि मकर राशि दसवां भाव का प्रतीक बनती है, जिसके स्वामी शनि हैं। यहां से बृहस्पति चौथे, छठे और आठवें भाव को देखेंगे। जैसा मैंने बताया, 12वें भाव से गोचर करेंगे, क्योंकि ये इनके मूल त्रिकोण राशि ही है। और यहां से बहुत अच्छे रिजल्ट यानी अच्छे परिणाम इस राशि वालों को मिलेंगे, क्योंकि ये सोने के पाए से गुजरेंगे, जो कि इस दौरान मकर राशि वालों को बहुत ज्यादा फेवर करते हुए नजर आते हैं, यानी लाभ मिलता हुआ नजर आता है। बात कर लेते हैं क्या क्या परिणाम होगा, क्योंकि बृहस्पति विवेक के मालिक माने गए हैं और केतु खासतौर से अध्यात्म के, और शनि को जो है नौकरी का कारक माना गया है। ये तीनों के तीनों 12वें भाव से गुजर रहे हैं, तो अब जातक विशेष जो है आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर होगा। खासतौर से कुछ ना कुछ डिवाइन नॉलेज यानी कि ज्योतिष विद्या या अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ा लेगा और दूसरों की सेवा करना पसंद करेगा। कुछ लोग जो है पवित्र नदी या पवित्र स्थान पर जाकर भी कुछ साधना सिद्धि करने के प्रयास में लग जाएंगे, और कुछ लोग विदेश भी जाएंगे। और जो उनके भाई बहनों की अगर हम बात करें, तो उनके लिए जो है ये समय काफी हद तक फाइनेंस और फैमिली के लिए बहुत अच्छा नजर आता है। जातक विशेष अच्छा समय अपनी माता के साथ गुजारेंगे, क्योंकि चौथा भाव एक्टिवेट होगा। जैसे मैंने बताया, कोई नया मकान या नया गाड़ी इत्यादि लेने का योग बनता नजर आ रहा है। खासतौर से जीवन की जो लग्जरीज हैं, जो वो अब तक नहीं ले पाए हैं, वो ले पाएंगे। घर से संबंधित चीजों में खर्चे होने के योग बनते हैं, और मेटेरियलिस्टिक चीजें यानी घर के सामान से, घर के सामान के लिए जो जरूरी हो जाती हैं, घर संभालने के लिए जो जरूरी वस्तु होते हैं, वो आदमी खरीदेंगे। बच्चे इस समय विदेश जाने के प्रयास में जो हैं वो कामयाब होंगे, यानी जातक विशेष के बच्चे विदेश जा सकते हैं। अब खासतौर से जीवन साथी के साथ आप अपना अच्छा समय गुजारेंगे, उसकी सेहत में काफी सुधार होगा, और अब तक जो आपके भागने के जो प्रयास रहे हैं संबंधों से, वो अब ठीक होने लगेंगे। खासतौर से इस गोचर में बृहस्पति के काफी लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति की बात करूं, आर्थिक स्थिति अब नियंत्रण में आ जाएगी। हाँ, कुछ पोजीशन धीरे धीरे सुधरने के प्रयास होंगे, लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधित यानी संपत्ति से संबंधित बिकने के योग या किराए में देने के योग या प्रॉपर्टी के रुके हुए पैसे जो नहीं मिल रहे थे, वो अब मिलने के योग बन जाएंगे। यात्राओं में और बच्चों में खर्चा जबरदस्त होगा। शादी ब्याह भी जातक विशेष की फैमिली में हो सकता है, जिसपे उनके खर्चे होने के योग बन रहे हैं। माता पिता के मेडिकल एक्सपेंसेस यानी दवाइयों से संबंधित दिक्कतें परेशानियां जो अब तक हो रही थी, वो सब निपटान पे हो जाएंगी। आपका मन खूब दान पुण्य करने की ओर अग्रसर हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जेब की तरफ भी नजर रखें, क्योंकि खर्चे कुछ ज्यादा ही होंगे, वरना आपको कर्जा इत्यादि भी लेना पड़ सकता है। जैसे मैंने बताया, छठा भाव और 12वां भाव दोनों भाव एक्टिवेट यहां से हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस राशि से आगे के लिए। तो इस राशि में आगे अगर हम देखें, तो ऐसे व्यक्ति जो कि अब तक आर्थिक जगत से फायदा लेते आ रहे थे या उनको कुछ सुविधाएं मिल रही थी, व्यापार जनित लोगों को काफी राहत मिलने के योग बन गए हैं। कुछ नए अवसर जीवन में प्रदान होने के योग बनेंगे। दिन प्रतिदिन की जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, कार्य क्षेत्र में भी काफी हद तक तेजी आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं सेहत की। तो सेहत में इस राशि वालों को बता दूं कि थोड़ी बहुत परेशानियां रहेंगी, क्योंकि अगर वो कुछ खाते पीते हैं यानी मदिरा पान या धूम्रपान करते हैं, तो वो ये छोड़ देना अच्छा रहेगा। ज्यादा खाने की वजह से शिकायतें बढ़ सकती है, अत्यधिक भोजन के कारण थकान होना, वजन का तेजी से बढ़ना परेशानी दे सकता है। लंबी दूरी की यात्रा करें, काफी हद तक अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ अनएक्सपेक्टेडली अस्पताल जाने के योग अगर बनते हैं, तो दशा भुक्ति के अनुसार देखना पड़ेगा, वो सपोर्टिव है, उनको लाभ दिखाई दे रहे हैं। संभवतः कोई पुरानी बीमारी पकड़ में आ सकती है इस दौरान। अब बात कर लेते हैं इस जाति के उपाय वालों के लिए, इस राशि को क्या उपाय करना चाहिए। तो यहां मैं आपको बता दूं, जो घर में जो मेहमान आ रहे हैं, उनकी खूब अच्छी तरह से भलीभांति सेवा करें, भगवान गणेश जी की पूजा करें, जिससे आपके कामों में जो बाधाएं आ रही हैं वो कट जाएंगी। वैदिक उपाय की बात करूं, तो दक्षिणा मूर्ति भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए फायदा रहेगा। साथ साथ रुद्रम चमकम अगर आप पढ़ते हैं, और वो भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा हनुमान जी का आप चालीसा का पाठ कर लेते हैं, शनि देव को कुछ अर्पित कर देते हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि हैं और शनि राशि परिवर्तन करके लगन में ही आने वाले हैं। शनि को प्रसन्न कीजिएगा, काफी लाभ मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे बृहस्पति के धनु राशि गोचर के मकर राशि पर पड़ने वाले प्रभाव। आप सबने सुना, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।